प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, मगर प्रदेश भाजपा इसकी तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी राजधानी अगरतला के विवेकानंद स्टेडियम से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। इससे पहले पीएम मेघालय की राजधानी शिलांग में एक बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद पीएम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के साथ शिलांग से विशेष विमान से दोपहर करीब 1:30 बजे अगरतला पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के विस्तृत कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है त्रिपुरा के जो प्रदेश नेता है उनके साथ। और इस वक्त हमारे संवाददाता पिनाकी दास हमसे जुड़ रहे हैं। जी पिनाकी, जानना चाहेंगे इस बैठक के बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है। गुजरात में जिस तरह से पिनाकी हमने देखा प्रचंड जीत मिली भाजपा को, प्रतिष्ठा का सवाल था और प्रतिष्ठा उन्होंने बचा ली, एक बड़ी जीत मिली है। उसके बाद पूरा फोकस अब भाजपा का पूर्वोत्तर में और खासकर त्रिपुरा में जहाँ पहले से ही भाजपा की सरकार चल रही है, ऐसे में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। एग्जैक्टली, देखिए त्रिपुरा एक बीजेपी के लिए एक चैलेंज इसलिए है कि यहाँ से कम्युनिस्ट को हटाया, जो एक टाइम बोला जाता है सबसे स्ट्रांग होल्ड है कम्युनिस्ट का, उस कम्युनिस्ट को हटाया और इसको 5 साल के बाद फिर से रीएस्टैब्लिश के लिए बीजेपी बहुत मेहनत कर रहा है। क्योंकि बीजेपी का जो मेन एजेंडा है वो है डेवलपमेंट, उनका जो मेन प्रचार में ला रहे हैं वो है डेवलपमेंट। हालाँकि ऑपोजिशन के तरफ से ये एलिगेशन ला रहे हैं कि यहाँ पे वायलेंस, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल वायलेंस ऑन क्राइम अगेंस्ट वीमेन, इसको प्रचार में ला रहे हैं। हालांकि बीजेपी बोल रही है ये नेगेटिव एटीट्यूड है और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स जो आए हैं उससे ये मालूम चलता है कि ये दोनों घटा है बीजेपी के चलते हुए त्रिपुरा में और काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। और एक दूसरा चैलेंज है जो टिपरा मोथा का, जो लोग जो मेन एजेंडा है ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड, और अभी टिपरा मोथा ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड जो सिर्फ 20 ट्राइबल सीट्स उससे नहीं लड़ेंगे, वो ट्राइबल वोटर के साथ साथ नॉन ट्राइबल को भी जोड़ना चाहते हैं। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा मुद्दा है जिसको चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि सत्ता में होते हुए त्रिपुरा लैंड, ये डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के डिमांड को लेके त्रिपुरा मोथा ने ADC को कैप्चर कर लिया, जो बीजेपी के लिए एक धक्का है। और पिछले जो बाई इलेक्शन में उसमें एक कांग्रेस को भी एक सीट मिला है, तो सब मिला के बीजेपी इज़ वेरी सीरियस। और प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं 18 तारीख को, जो अभी तक हमें पता है, अगर तो वहाँ से मेनली जो फोकस रहेगा वो है जो डेवलपमेंट किया उसका प्रचार में लाना, पर्टिकुलरली त्रिपुरा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल और अर्बन सब मिला के 2 लाख से ऊपर फैमिलीज को घर मिला है, वाटर कनेक्टिविटी, हर घर जल, जल जीवन मिशन के अंदर वो भी सिर्फ 3% था, 3% से अभी लगभग 60% से ऊपर चला गया, जो ऑफिशियली रिलीज करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ कनेक्टिविटी, रोड्स और जो डेवलपमेंट, बाकी जो स्कीम्स है सेंट्रल स्कीम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ, जो अलग जो हेल्थ सिक्योरिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है हेल्थ में, पर्टिकुलरली कोविड टाइम में किस तरह से लोगों को वैक्सीन फ्री में मिला और साथ ही साथ फ्री रेशन भी मिला, तो सब मिला के वो सब में फोकस कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये सरकार है तो आप लोगों को क्या क्या। गैस कनेक्टिविटी एक अहम इश्यू है जो वुमेन को मिला है, 2 लाख से ऊपर महिलाओं को गैस फ्री गैस कनेक्टिविटी, सब मिला के ये प्रचार में लाना चाहते हैं ताकि अगले जो इलेक्शन होने वाला है, जो अभी तक शेड्यूल है फरवरी लास्ट तक, तो उसमें बीजेपी ये सब मुद्दा आगे रख के मेनली फोकस करेंगे। जी पिनाकी, जिस तरह से आपने बताया कि त्रिपुरा मोथा जो है वो गैर आदिवासी कार्ड खेल चुकी है, एक तरफ भाजपा रणनीति बनाने में जुटी है और दूसरी तरफ त्रिपुरा मोथा ने एक नई पार्टी, नई इकाई का ऐलान कर दिया है, ऐसे में क्या लगता है आपको एक तगड़ी रणनीति बनाने की अब भाजपा को जरूरत आन पड़ी है? अगले विधानसभा चुनाव होने उसमें त्रिपुरा मोथा एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। देखिए त्रिपुरा मोथा इनिशियली जो लेके आया था उनका मेन फोकस था ट्राइबल सेक्शन, पर अभी जो उनका मूड है इससे ये पता चलता है कि नॉन ट्राइबल एरिया में भी ये खेलना चाहते हैं। और आज
त्रिपुरा मोर्चा का जो चेयरपर्सन है प्रद्युत किशोर देवबर्मा, उन्होंने क्लियरली बोल दिया हम लोग अकेले 31 सीट्स मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर आना चाहते हैं, और उन्होंने क्लियर कट अभी तक जो बताया है कि हम किसी के साथ अलायंस में नहीं जाएंगे, हम हमारे जो मेन एजेंडा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है उस पर स्टिक रहेंगे, क्योंकि हम किसी जाति के अगेंस्ट में नहीं है। हालांकि हम हमारे जो जनजाति लोगों का उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको संवैधानिक राइट जो है उसको हम मांगते हैं किसी को कार्टेल करके नहीं, और यही मेन उनका एजेंडा है, ताकि वो अगर ज़रूरत पड़े तो अगर निगोशिएट भी करते हैं तो अच्छे सीट से वो कंटेस्ट कर सके, ये उनका मेन फोकस रहेगा। और इसलिए उन्होंने अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने नॉन त्रिपुरा के जो ट्राइबल सेक्शन है उनमें से एक को कॉन्टेस्ट करवाया सुरमा कॉन्स्टिट्यूशन जो टी ट्राइब्स है, और 10,323 एक टीचर था वो, तो इसे उन्होंने ये 10,323 इशू को भी वो फोकस रखे, जो टीचर लोग 10,000 से ऊपर उनका नौकरी चला गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किए, और उनका बार बार यही कहना है कि हम किसी जाति का राइट मांग कर रहे हैं, इसका मतलब किसी को कार्टेल नहीं के हम सबके साथ अन्याय से सेव करना चाहते हैं, और बीजेपी के अगेंस्ट में वो डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर उनका जो मेन एजेंडा है कि हम किसी के साथ फिलहाल निगोशिएट में नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे अगर रिटर्न कमिटमेंट मिलते हैं तभी जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिनाकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने साझा की है।